दोस्तों देखिए, ये QSD गाड़ी का बैक साइड का वायरिंग है और इस वीडियो में मैं आपको इसी वायरिंग के बारे में जानकारी दूंगा फुल डिटेल्स में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो येलो बॉक्स दिख रहा है, इसमें देखिए 5 गो वायर है। तो दोस्तों इसमें जो आपको रेड वायर दिख रहा है, रेड वायर दोस्तों बैटरी से 48 वोल्ट लेके कंट्रोलर में दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, 48 वोल्ट का पॉजिटिव है। और इधर देखिए नेगेटिव मिलेगा आपको, नेगेटिव भी बैटरी से आता है और कंट्रोलर में चला जाता है। और बाकी जो बीच में आपको 3 वायर दिख रहा है, हरा पीला और ब्लू, ये दोस्तों मोटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए वायरिंग का जो मेन पार्ट होता है, इसमें देखिए बहुत सारा वायर रहता है वायरिंग में, पाइप के अंदर। तो दोस्तों इसी वायरिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा एक एक तार का क्या क्या काम है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो आपको जॉइंट बॉक्स था, जॉइंट बॉक्स में देखिए एक रेड वायर रहेगा वायरिंग के साथ कनेक्ट रहेगा। तो दोस्तों इसी लाल तार से फ्रंट में जो चाबी है उसमें 48 वोल्ट इसी तार से मिलता है, ठीक है। जॉइंट बॉक्स से 48 वोल्ट लेके आता है और चाबी से कनेक्ट हो जाता है। और देखिए पीछे में आपको जितना भी रेड वायर दिख रहा है इसके अलावा, तो सब में देखिए पूरा रेड नहीं है, इसमें देखिए एक व्हाइट लाइन, बीच में एक व्हाइट लाइन बना हुआ है। तो ये जो दोस्तों ये वायर है रेड वायर, ये किसी के साथ जॉइंट नहीं है, बीच में सीधे आपका जॉइंट बॉक्स है चाबी स्विच, ठीक है। और देखिए देखिए ये पूरा रेड है और इसमें एक फ्यूज भी आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इसी के साथ यानी कि जॉइंट बॉक्स में ही आपको एक नेगेटिव भी मिल जाएगा इधर साइड में, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है दोस्तों ये नेगेटिव है और वायरिंग में आपको जितना भी नेगेटिव मिलेगा, जितना भी काला वायर मिलेगा, सभी दोस्तों इसी तरह से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मेन नेगेटिव है। अभी दोस्तों फ्रंट में जो 48 वोल्ट गया था रेड वायर के थ्रू, तो जब चाबी को ऑन किया जाएगा तब दोस्तों फिर से 48 वोल्ट रिटर्न आ जाएगा इस येलो कलर का वायर में। तो देखिए ये येलो कलर का वायर है, इसमें 48 वोल्ट आ जाएगा और आके देखिए एक कंट्रोलर के साथ अटैच होगा और कंट्रोलर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इग्निशन का वायर कहा जाता है इसको। और देखिए बाकी एक वायर DC कन्वर्टर में जो चला जाता है जॉइंट होके, ठीक है। तो देखिए ये DC कन्वर्टर है 12 वोल्ट का, इसमें आपको 12 वोल्ट का सप्लाई मिलता है। तो देखिए इसमें टोटली आपको 3 वायर मिलेगा, एक जो है येलो कलर का वायर, ये दोस्तों 48 वोल्ट पॉजिटिव है, इधर देखिए नेगेटिव मिलेगा। और बीच का जो वायर है दोस्तों ये 12 वोल्ट आउटपुट है, ठीक है, इसी वायर से आपको 12 वोल्ट मिलता है। अब दोस्तों देखिए ये जो जैक है, ये जो कपलर है आपको दिख रहा है, ये दोस्तों स्पीडोमीटर का कपलर है। देखिए स्पीडोमीटर यानी कि जो किलोमीटर शो होता है जिसमें स्पीड शो करता है। तो दोस्तों ये कंट्रोलर से मीटर में आ जाता है फ्रंट में, इसका बीच में कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये बैगनी कलर में देखने को मिलता है कंट्रोलर के साइड में। अब दोस्तों देखिए ये जो कपलर है दोस्तों, ये 3P का कपलर है, ये आपका थ्रोटल का कपलर है, एक्सलेटर का कपलर है, ठीक है। ये भी किसके साथ जॉइंट नहीं है, कंट्रोलर से सीधा आपका थ्रोटल में आके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये जो कपलर है थोड़ा ग्रे कलर में, तो दोस्तों ये रिवर्स का कपलर है। और देखिए वायरिंग के साइड में आपको देखने को मिलेगा रेड वायर, बीच में व्हाइट लाइन बना हुआ है। तो दोस्तों इसी से गाड़ी रिवर्स होता है। देखिए इसका जो और भी देखिए एक वायर आपको इसी के साथ मिल जाएगा जॉइंट, इसमें भी देखिए एक रिवर्स का वायर मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बैक हॉर्न का जैक है, बैक हॉर्न का कपलर है, ठीक है, ये आपका बैक हॉर्न से कनेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों वायरिंग में आपको जितना भी वायर दिख रहा है, तो सभी वायर दोस्तों लाइट के लिए है, ठीक है। इसमें देखिए 2 पार्ट है, एक लेफ्ट साइड का लिए, लेफ्ट साइड का जो लाइट है उसके लिए है, और एक आपका जो राइट साइड का लाइट है उसके लिए है, ठीक है। देखिए इसमें बीच में 2 पार्ट है। तो सबसे पहले हम जो राइट साइड का लाइट है उसको देख लेते हैं कि इसका जो कौन सा वायर किसका है। तो देखिए इसमें आपको बहुत सारा वायर दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो आपको दोस्तों ये वायर दिख रहा है ब्लू कलर में, देखिए बीच में लाइन बना हुआ है व्हाइट लाइन, तो दोस्तों ये इंडिकेटर का जो लाइट है उसके लिए है। और इसके साथ आपको एक नेगेटिव भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी है इसका एक एक लाइट जो है सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो इसके लिए हर एक लाइट के लिए नेगेटिव चाहिए, तो ये इंडिकेटर के लिए है। अभी दोस्तों देखिए ये जो वायर है, ये दोस्तों रिवर्स का वायर है, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये वायर रेड कलर में है और थोड़ा आपका जो बीच में लाइन बना हुआ रहेगा व्हाइट कलर का। तो दोस्तों ये रिवर्स लाइट के लिए है, इसके साथ भी एक नेगेटिव आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स लाइट हो जाएगा, पीछे का जो सफेद लाइट है उसके लिए है। अभी दोस्तों देखिए ये जो वायर है थोड़ा ब्राउन कलर में, तो दोस्तों ये आपका हेडलाइट का स्विच के साथ कनेक्ट रहता है, यानी कि जब हेडलाइट का स्विच को ऑन किया जाएगा तो पीछे का जो रेड लाइट है वो भी जलेगा, ठीक है। इसी वायर से आपका वोल्टेज आना शुरू कर देगा 12 वोल्ट। तो ये आपका जो है हेडलाइट के लिए है। और देखिए बाकी जिसमें एक नेगेटिव भी आपको देना पड़ेगा। और देखिए ये जो ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है दोस्तों, ये ब्रेक सेंसर के लिए है, जब ब्रेक किया जाएगा तब दोस्तों पीछे का लाइट जलता है रेड लाइट जो है, ठीक है। और दोस्तों ब्रेक लाइट का जो नेगेटिव है वो दोस्तों जो हेडलाइट का नेगेटिव है उसी से मिल जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए जो ब्रेक लाइट है उसमें 12 वोल्ट कहाँ से आता है वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ये जो कपलर है दोस्तों, ये ब्रेक सेंसर का कपलर है, इसमें ब्रेक स्विच लगता है। और ब्रेक स्विच दोस्तों एक बेसिकली स्विच ही होता है। तो देखिए इसमें 2 वायर है, एक में 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, और एक में ऑरेंज वायर है। तो दोस्तों देखिए DC का जो बीच वाला वायर था आउटपुट 12 वोल्ट, तो दोस्तों ये वायर उसी वायर से कनेक्ट है। अब दोस्तों इसमें जब स्विच लगता है जो ब्रेक स्विच, तो जब ब्रेक को किया जाता है तब दोस्तों 12 वोल्ट ऑरेंज कलर का वायर में आ जाता है और पीछे का जो रेड लाइट है वो जलने लगता है। तो देखिए ये आपका ऑरेंज कलर का वायर है, इसमें 12 वोल्ट आ जाता है। तो
तो दोस्तों ये राइट साइड का पार्ट था। अभी दोस्तों लेफ्ट साइड का जो लाइट का वायर है वो दोस्तों राइट साइड का जो वायर था उसी से कनेक्ट है, सिर्फ एक वायर जो है आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों जो आपको ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर का वायर है बीच में जो व्हाइट लाइन बना हुआ है, ये दोस्तों इंडिकेटर का है, लेफ्ट इंडिकेटर के लिए है। और बाकी जितना भी लेफ्ट साइड का वायर है वो दोस्तों राइट साइड का जो वायर था उसी से कनेक्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।